मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। जा रहे हो मुझे छोड़ के, मत जाओ प्लीज मेरे प्यारे फोन। गुड मॉर्निंग गाइज, इट्स 10 o'clock इन द मॉर्निंग। आज मैं जल्दी उठ गई हूँ सुबह। आपको पता है मैं मॉर्निंग पर्सन तो हूँ नहीं, बट मैं आज सुबह उठी हूँ क्योंकि मैंने करना है एक बहुत ही वियर्ड चैलेंज। ये वियर्ड इसलिए है क्योंकि मैं हूँ एक फोन पर्सन और आप इसे मेरी एडिक्शन कह सकते हैं, बट आज 24 आवर्स के लिए मैं अपना ये फोन गिव अप करने वाली हूँ। मैं अपना फोन बंद करने वाली हूँ। ये बहुत चैलेंजिंग होने वाला है बिकॉज आई काइंड ऑफ लाइक माय फोन अ लॉट। पता नहीं कैसा रहने वाला है, बट आई एम स्विचिंग इट ऑफ। आई एम फाइनली स्विचिंग इट ऑफ, पावर ऑफ। मेरा फोन बंद हो गया है एंड नाउ इट्स टाइम टू पैक इट। ये है फोन जेल, इसके अंदर मैं अपना फोन पैक करने वाली हूँ और अभी 24 आवर्स के बाद ही खुलेगा। मेरा ये फोन लॉक हो चुका है। 24 आवर्स से पहले मैं इस फोन को निकालने नहीं वाली। आज मुझे पता लगेगा कि एक फोन के बिना भी लाइफ कैसी होती है। 1990s में मैं कैसे जीती थी। Let's do it! यार पर आज मैं टाइम कैसे देखूंगी? एक चीज है मेरे पास जिससे मैं टाइम देख सकती हूँ, जिसको मैं कभी यूज नहीं करती, सिर्फ शो ऑफ के लिए एक्सेसरी की तरह यूज करती हूँ। मेरी वॉच, जो मुझे हर्ष ने गिफ्ट करी थी और वो बोलता था कि ये तेरे कभी किसी काम नहीं आने वाली, बट मैं ऑब्वियसली पहनती तो थी, टाइम नहीं देखती थी, वो बात अलग है। आज ये मुझे बहुत हेल्प करने वाली है, मेरी प्यारी वॉच है ये। तो गाइस मैं सोच रही थी कि मैं इतना ओवरथिंक क्यों कर रही हूँ। 1990s में जब हमारे पास मोबाइल फोन्स नहीं होते थे, तब भी तो हम लोग जिंदा रहते थे, खुश रहते थे। ऐसा करते लैपटॉप पे सर्च करती हूँ कि 1990s में विदाउट फोन लोग क्या करते थे। तो मुझे वीडियो मिली है क्राफ्टी पांडा की, जिसका नाम है लाइफ बिफोर एंड आफ्टर स्मार्टफोन। तो ये फर्स्ट वीडियो है, इसके अंदर ये लड़का और लड़की एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, एक दूसरे का घर फिक्स कर रहे हैं। नाउ द सिनेरियो हैज चेंज। लड़का फिक्स कर रहा है घर, लाइट लगा रहा है और लड़की फोन पे बिजी है। तो स्मार्टफोन ने हमें एक दूसरे के साथ डील करना ही बंद कर दिया। हम लोग बिल्कुल ही एक दूसरे से डिटैच हो चुके हैं। ओके, तो ये सिचुएशन बहुत ही फनी है। टॉयलेट में हम क्या करते थे? टॉयलेट में हम बैठते थे और इधर उधर देखते थे कि क्या चीजें हैं, इन्हें पढ़ ले, न्यूज़पेपर पढ़ ले, कुछ पढ़ ले, लाइक कुछ भी मिल जाए पढ़ने के लिए। बट नाउ हमारे पास स्मार्टफोन्स है तो हम लोगों को जरूरत ही नहीं पड़ती न्यूज़पेपर पढ़ने की। एक्चुअल में न्यूज़पेपर का ट्रेंड बंद हो गया है। एंड नाउ लुक एट द गाय, वो पिक्चर्स ले रहा है बैठ के स्मार्टफोन से टॉयलेट में। ओह माय गॉड, दैट्स सो स्टूपिड। पहले ट्रू लव फाइंड करना कितना डिफिकल्ट होता था। हम डेट्स पे जाते थे, मिलते थे, लड़का लड़की इतना ज्यादा घबराते थे एक दूसरे से बात करने में। तो दैट कॉन्सेप्ट वाज अमेजिंग, बट नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड ऑल थैंक्स टू टिंडर। इतनी सारी डेटिंग वेबसाइट्स आ गई हैं कि किसी को एक दूसरे के साथ कैफे में बैठ के बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। टिंडर पर लेफ्ट राइट स्वाइप करा और आपको डेट मिल गई। ट्रू लव फाइंड करना स्मार्टफोन की जनरेशन में बिल्कुल ही अलग है। ओह माय गॉड, दिस इज सो रिलेटेबल। ये मेरे लिए है, लाइक सीरियसली। पहले स्लीप कैसे करते थे हम लोग, क्या करते थे? लेटे लेटे बातें करते रहते थे जब फोन्स नहीं होते थे। बट आजकल हमारे पार्टनर सो जाते हैं और हम ब्लैंकेट के अंदर फोन पे चिट चैट कर रहे होते। दैट्स सो रिलेटेबल बिकॉज मैं ऐसा ही करती हूँ और हर्ष को लगता है ओह माय गॉड शी स्लीपिंग। जब मैं सो नहीं रही होती, मैं ब्लैंकेट में अपने फोन पे व्हाट्सएप चिट चैट सब कुछ कर रही होती हूँ। सो दिस इज सो रिलेटेबल। लिटरली हमें स्पॉइल कर दिया स्मार्टफोन्स ने। ठंड इतनी ज्यादा है कि मन भी नहीं करता बाहर जाने का, मन करता है यहाँ बैठे बैठे ही शूट कर लो। अब ये फोन यहाँ पे साइड पे जेल में मैंने बंद कर दिया है। अब उठ के मुझे जाना पड़ेगा ऑल द वे कहीं ना कहीं खाना खाने। ऐसा करते हैं, बैठे बैठे बोर हुए, करना है कुछ काम, चलो चले डोमिनोज लेके प्रभु का नाम। फोन कितना अच्छा होता है, GPS भी होता है फोन में स्विगी भी होता है, फोन में ऊबर भी होता है, फोन में सब कुछ होता है गाइस। बहुत ही मुश्किल से मैंने हर्ष को कन्विंस करा अपने साथ डोमिनोज चलने के लिए। पता नहीं डोमिनोज जाता है कहाँ जाता है, जहाँ भी उसके जाने का मन होगा। बट बिकॉज आज मेरे पास GPS नहीं है और फोन भी नहीं है, तो ही इज गोइंग टू बी माई GPS एंड देखते हैं ये GPS मेरा कितने काम आता है। इतना मतलब ही हो गया है मेरा दिल। वैसे जेन्युइनली एक बात बताऊं, अभी तक आई हैवंट रियली स्टार्टेड मिसिंग माय फोन। यू आर अ ड्राइवर ना? नो नो, यू आर नॉट अ ड्राइवर, यू आर अ GPS सिस्टम फॉर मी। तुम माफ करना, मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। बाय द वे हर्ष, ये तेरी ही डिमांड थी कि मैं ये चैलेंज करूँ। तुझे पता है कितने टाइम पहले तूने और इतने सारे YouTube फैमिली ने हमारे ने बोला था कि ये चैलेंज करो, तो मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए चैलेंज करने की कोशिश करी है।
मुझे हैबिट है लाइक 5-5 मिनट्स के बाद फोन पे नोटिफिकेशंस चेक करने की, हर चीज देखने की, इंस्टाग्राम पे लाइक्स और कमेंट्स देखने की। यही हैबिट तेरी छुड़वानी थी, लाइफ विदाउट फोन कितनी अच्छी हो सकती है। इसका ये रीजन है तो मेरी लाइफ खराब करे। बाय द वे आई मस्ट से कि अभी तक मुझे कोई इतना बहुत बैड फील नहीं हो रहा विदाउट फोन, मुझे अच्छा लग रहा है। आई थिंक मैं ऑर्गेनिकली ज्यादा कनेक्ट कर रही हूँ लोगों से, हर्ष से बात कर पा रही हूँ। सीरियसली गाइस, पहली बार में से बात कर रहे हैं, अपने फोन में लगे रहते, अपने गाने चलाते रहते। गाने चलाना अब क्या हुआ, चला आज रेडियो पे गाने सुनना पड़ेगा 93.5 रेडियो एफएम। मुझे जेन्युइनली रेडियो पे गाने सुनने पसंद नहीं है, बिकॉज यू नो किसी और की चॉइस के गाने क्या सुनने हैं आजकल। ये स्मार्टफोन्स ने इतना इजी कर दिया, फोन में इतनी बड़ी प्लेलिस्ट बनाई, गाने चला लिए। आई डोंट वांट टू हियर एनीथिंग अबाउट फोन नाउ। गाता रहे मेरा दिल, नो स्पीकिंग चैलेंज, कीप क्वाइट फॉर 24 आवर्स। अगला चैलेंज कौन सा चाहते हो? कीप क्वाइट फॉर 24 आवर्स चैलेंज करना चाहते हो कमेंट्स में बताओ। बस मैं एक ही चीज मिस कर रही हूँ, इंस्टाग्राम पे अपने लाइक्स और कमेंट्स चेक करना। कोई ये तो नहीं सोचा करना कि मैं मर गई, कोई मुझे फोन कर रहा हो, मेरा फोन ना मिल रहा हो। आज तक ऐसा हुआ नहीं कि मेरा फोन ना मिल रहा हो, अनलेस नेटवर्क ना आ रहा हो। तो बस यही सोचेंगे नेटवर्क नहीं आ रहा, पर मैसेजेस पे भी मेरे टिक्स नहीं दिखेंगे। टुडे आई विल रियलाइज कि क्या लोग मुझे जेन्युइनली मिस करते भी हैं या नहीं। कौन लोग हैं जिनको मेरी एक्चुअल में चिंता होती है कि मैं एक दिन भी उनसे बात ना करूं तो उन्हें लगता है कि हाँ यार इसने मेरे से बात नहीं करी, इसका फोन नहीं मिल रहा। सोच अगर कोई भी ऐसा नहीं हो। यहाँ टेबल पे कुछ लिखा है जो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। मतलब हम कितनी बार डोमिनोज आते हैं बट हम लोग देखते नहीं कि हमारे आसपास है क्या। और यहाँ पे मैंने कुछ ढूंढा, टोटल सेटिस्फेक्शन गारंटी। मैंने आज तक नहीं पढ़ा यहाँ पे टेबल पे क्या लिखा होगा। पिज्जा आ गया, एक फोटो ले लेते हैं पहले इंस्टाग्राम के लिए। पर यार क्या ही फर्क पड़ता है, लाइक हर पिज्जा एक जैसा दिखता है और मैं हर बार एक ही फोटो डालती हूँ। आज मैं हॉट मील एंजॉय करती हूँ पर्सनली। आज तक पता लगेगा हॉट मील होती क्या। एग्जैक्टली, मेरा फेवरेट कॉर्न कैप्सिकम पिज्जा। सालों बाद गरम पिज्जा खाया होगा, आई स्वेयर। इसकी वजह से मैं भी पिज्जा का टेस्ट नहीं आता। गाइस सीरियसली कमेंट करके बताना आप कितने लोग यही करते हो, जब भी खाना आता है फोटो खींचते हो, उस चक्कर में जो मील की फ्रेशनेस है वो एंजॉय नहीं कर पाते। आज तुझे मेरे फोन का ध्यान भी नहीं रखना पड़ा, तूने ये चीज नोटिस करी। नहीं तो हर टाइम यही सोचता रहता है इसका फोन घूम जाएगा। तभी तो तूने कहा था कि ये चैलेंज कर। आई नो कि तू क्यों चाहता था मैं ये चैलेंज कर। यहाँ लगाया करती थी मैं अपना फोन इस अटैचमेंट में। गाइस हर्ष तो गया एप्पल स्टोर और मैं यहाँ गाड़ी में वेट कर रही हूँ और मुझे ये टाइम बहुत ऑकवर्ड लग रहा है, बिकॉज पहले जब मेरे पास फोन होता था तो मैं घंटों गाड़ी में बैठी रहती थी, लाइक फॉर आवर्स एंड आवर्स आई यूज्ड टू सिट इन द कार और जस्ट मैं वेट कर लेती थी। बट अभी मेरे लिए वेट करना भी मुश्किल हो रहा है बिकॉज मेरे पास मेरा फोन नहीं है। आई मिस माय फोन। मेरे आसपास में जितने भी लोग हैं सबके हाथ में फोन है, मन करे इनके हाथों से भी फोन छीन। कम ऑन मैन, इंस्टाग्राम पे नोटिफिकेशंस आ रही होंगी बहुत सारी। आई नीड माय फोन बैक। हेलो, मैं हूँ मिस्टर प्रीतम। हाय, मैं प्रेरणा बोल रही हूँ। हेलो प्रेरणा, तुम्हारे पास तुम्हारा फोन नहीं है आज? नहीं मिस्टर प्रीतम, मेरा फोन आज मेरे पास नहीं है, मैं चैलेंज कर रही हूँ। प्रेरणा, ये कौन सा चैलेंज होता है जिसमें तुम अपने फोन के बिना रहो? आजकल कौन फोन के बिना रहता है? मिस्टर प्रीतम क्या करूं, यूट्यूब फैम के लिए सब करना पड़ता है ना। वेल डन प्रेरणा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू मिस्टर प्रीतम, पर मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं आ रहा है। आई एम लूजिंग माय माइंड। फाइनली हर्ष आ गया है और मेरा इतना लंबा टाइम खत्म हो गया है। इंतजार की घड़ियां खत्म। Few inches later. चैलेंज आज मैं अपने घर के पास आई हूँ। 5 minutes दूर इतनी अच्छी जूस का शॉप है, मुझे खुद भी नहीं पता था कितनी अच्छी है। अंदर से तो बहुत ही क्लियर है, उसके साथ बैठ हुआ मैं यहाँ पे। लेट्स सी ड्रिंक कैसी होती है। ऑल थैंक्स टू माय लिविंग विदाउट अ फोन चैलेंज। नई नई जगह देखने को मिल रही है स्विगी और ऊबर के बिना। फोन की
तो पड़ ही जाती है यार, इंसान आपस में भी कितनी बात कर ले यार, है ना? You are right. इसी बात पे can I have your phone? Because challenge is living without my phone for 24 hours. क्योंकि फोन तो है नहीं और मैं बोर हो रही हूँ. मैंने सोचा थोड़ा सा अपना हेयर केयर रेजीम फॉलो करा जाए और आपको बताया जाए उन प्रोडक्ट्स के बारे में जो आजकल मैं यूज कर रही हूँ अपने हेयर केयर के लिए. सो मैं यूज कर रही हूँ मामा अर्थ की अनियन हेयर फॉल कंट्रोल रेंज. मैं यूज कर रही हूँ मामा अर्थ का कंडीशनर, मामा अर्थ का शैम्पू, हेयर ऑयल एंड हेयर मास्क. मामा अर्थ रेंज इज सूटेबल फॉर वुमेन एंड मेन ऑफ ऑल एज ग्रुप्स एंड द बेस्ट थिंग इज मामा अर्थ इज प्लास्टिक पॉजिटिव. दैट मीन्स दे रिसाइकल मोर प्लास्टिक देन दे यूज. गाइस, जो इसका अनियन हेयर ऑयल है ये आपके हेयर ग्रोथ को बूस्ट करता है और आपकी स्कैल्प को नरिश करता है. आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस नाउ बिकॉज टाइम भी तो किल करना है एंड मेरे बालों को भी थोड़ा सा अच्छा टेक्सचर मिल जाएगा. सो आई विल जस्ट शो यू कि ये कैसे अप्लाई करना है एंड देन आई एम गोना वॉश माई हेयर यूजिंग मामा अर्थ शैम्पू एंड कंडीशनर. हेयर ऑयल के थोड़े से ड्रॉप्स डायरेक्टली अपनी स्कैल्प पे अप्लाई करना है so that the oil penetrates into the roots of your hair. इसमें sunflower oil, jojoba oil, almond oil और bringraj oil जैसे amazing ingredients use करे गए. ये mineral and silicone free भी है. I highly recommend using Mama Earth's range and guys, if you want to order these products, you can order them on Nykaa, Amazon and Mama Earth's own website and you can use my coupon code which is wonder2020 to get 20% flat discount. So what are you waiting for? Go and shop for Mama Earth's range right now. तो मैं पढ़ने वाली हूँ पीटर पैन फेरी टेल. मैंने बचपन में ही पढ़ी थी ऐसी फेरी टेल्स, तब मुझे बहुत शौक होता था. बट आज क्योंकि मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं है तो मैं ये कलरफुल पिक्चर्स वाली किताब बुक पढ़ने वाली हूँ. फोन में कितनी कलरफुल कलरफुल न्यूज और कलरफुल कलरफुल चीजें देखने को मिलती थी ना. ये नॉवल पढ़ते पढ़ते गाइस मुझे नींद आ गई, पर ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग थी. पीटर पैन जाता है एक दिन मिसेस डार्लिंग के घर और वहां पे जो उनके तीन छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको अपने साथ ले जाता है अपने घर फ्लाई करा के नेवरलैंड. पायरेट से लड़ता है, कैप्टन हुक से लड़ता है और वापस जब मिसेस डार्लिंग के बच्चों को अपने पेरेंट्स की याद आने लग जाती है तो नेवरलैंड से ले जाता है उनके घर वापस लंदन. 12 सेकंड्स लेटर. गाइस मैं रियली बहुत बोर हो रही थी, मतलब आज मुझे पता लग गया कि फोन के बिना सर्वाइव करना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है. आई डोंट नो बाकी सबके अपने एक्सपीरियंस होते होंगे बट एक एक मिनट ऐसे लग रहा है कि कब खत्म होगा, कब 24 आवर्स खत्म होंगे. हेलो प्रेरणा, वेयर इज योर फोन? स्टॉप टीजिंग मी. ओह माय गॉड, अपना ही दे दे, अपने फोन को ही हाथ लगाने दे. सपनों में लेट्स प्ले समथिंग प्रेरणा, कुछ खेलते हैं. क्या खेलें? Your favorite memory challenge. Okay, guys, अब हम challenge के अंदर करने वाले हैं एक और challenge आप लोगों के लिए, double treat, memory challenge. Test करते हैं मेरी memory ज़्यादा अच्छी है हर्ष. Let's start the memory challenge. करेंगे memory challenge and लेंगे YouTubers के नाम. Wanderers Hub. Wanderers Hub triggered इंसान. Wanderers Hub triggered इंसान, फुकरा इंसान. Wanderers Hub triggered इंसान, फुकरा इंसान, live इंसान. Wanderers Hub triggered इंसान, फुकरा इंसान, live इंसान, KSI. Wanderers Hub triggered इंसान, फुकरा इंसान, live इंसान, KSI, Dimples Kitchen. Wanderers Hub triggered इंसान, फुकरा इंसान, live इंसान, KSI, Dimples Kitchen, Max Story. Wanderers Hub triggered इंसान, फुकरा इंसान, live इंसान, KSI, Dimples Kitchen, Max Story. अमित बड़ा. Wanderers Hub triggered इंसान, फुकरा इंसान, live इंसान, KSI, Dimples Kitchen, Max Story. अब हम लेंगे फास्ट फूड जॉइंट्स के नाम. डोमिनोज, डोमिनोज पिज्जा हट. डोमिनोज जाएंगे, पिज्जा हट खाएंगे. कम ऑन, जाएंगे खाएंगे, कहाँ से आ गया? You lost.
योगा करने के बाद ठंड भी नहीं लग रही। आलस ही होता है जो हम लोग आते नहीं है और फोन में लगे रहते हैं हर टाइम। सीरियसली आज मुझे कितना अच्छा लग रहा है। I just had my dinner कर लिया है और अब टाइम भी बहुत ज्यादा हो चुका है। I think कितना टाइम हो गया है, 12 बज चुके हैं। मैंने सर्वाइव कर लिया विदाउट माई फोन फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, मुझे खुद भी बिलीव नहीं हो रहा। मैं मिस तो कर रही हूँ बहुत ज्यादा नोटिफिकेशन चेक करने एंड एवरीथिंग, बट आई थिंक ये पूरे एक्सपीरियंस ने मेरी जिंदगी बदल दी। मेरी जिंदगी इतनी ज्यादा बदल गई है कि मैं कल सुबह उठते ही सबसे पहले अपना फोन देखूंगी और नोटिफिकेशन चेक करूंगी। मुझे नहीं चाहिए ऐसा एक्सपीरियंस, नहीं चाहिए मुझे ऐसा एक्सपीरियंस दोबारा जिंदगी में। सो आई एम गुड विद माई फोन ओनली। सो गाइज आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू डिड डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग थम्स अप, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी। आप एंड अगर आपके पास कोई और अमेजिंग आइडियाज हैं जो आप चाहते हो मैं ट्राई करूं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो आप देखना चाहते हो 24 आवर चैलेंजेस, तो डू कॉमेंट डाउन। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।